हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक स्वभाव था कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं ऐसा करूं या ना करूं, हाँ इतना लेट हो गया, लोग क्या बोलेंगे कि मैं इतने लेट तक सोई थी। मतलब हमेशा मैं सोचती रहती थी कि किसी और को क्या फ़र्क पड़ेगा। पर अब जा कर के एक बात समझ में आई कि किसी को कब तक समझाते फिरूंगी और किस किस को समझाऊंगी। और वैसे भी जिसका जितना मानसिक विकास होगा, जिसका जितना मानसिक विस्तार हुआ होगा, वो उतना ही सोचेगा। जिसकी जैसी मानसिक स्थिति होगी वो वैसा ही सोचेगा। तो किसी और के बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? किसी का मानसिक विस्तार आप नहीं कर सकते, ये अब जा कर के समझ में आया है। तो अगर आप किसी चीज़ से संतुष्ट हैं तो उसको मन से करिए। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे खुद को इफ़ेक्ट मत करिए। मैंने तो ये खुद में बदलाव कर लिया है और मुझे लगता है अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपको भी ज़रूरत है खुद में ये बदलाव लाने की। डियर स्त्री, अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दो। जो आपका ना हो सके उसे आप भी समझाना छोड़ दो। आपकी ज़िंदगी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो वो काम खुल के करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, खुद को मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, मेरी पढ़ाई वैसे ही चल रही है। अभी मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे बच्चों के साथ अभी मेरा मैक्सिमम टाइम जाता है और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, तो प्रायोरिटीज़ मेरी सेट है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, फिर मेरी पढ़ाई है और उसके बाद यूट्यूब आता है। बट कोई नहीं, अभी कुछ दिनों की ही बात है, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, समर वैकेशंस ख़त्म होने वाला है, उसके बाद चीज़ें फिर रूटीन में आ जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करिएगा। आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।